हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही चटपटी जो डिश बनने वाली है हमारी, बहुत ही यमी, टेस्टी और बिल्कुल जो है हम लोग ढाबा स्टाइल की मसाला एग करी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 अंडे जो है बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और तब तक मेरे एग्स जो हैं बॉईल होंगे तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है और जो है 2 हरी मिर्च ली है। ये मेरी हरी मिर्च जो है तीखी वाली है। और यहाँ पर मैंने 5-6 जो कली है वो लहसुन की ली है, और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा जो है अदरक लिया है। और बाकी के जो खड़े मसाले हैं वो उसमें मैंने 2 जो है गरम मसाले के पत्ते लिए हैं, तेज पत्ता, एक चम्मच जो है जीरा लिया है, 10-12 जो काली मिर्च ली है। और उसके बाद जो है ये मेरे जो एग्स हैं तब तक मैंने ये मसाले लगाए, तब तक मेरे जो एग्स थे वो बॉईल हो चुके हैं। और अब हम इनको जो है ठंडा करके, मैंने इनको ठंडे पानी से पहले धो लिया है और उसके बाद मैं इनको एक एक करके जो है छील लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है मेरे एग्स को भी मैंने ये छील लिया है, और उसके बाद जो है मेरे 4 अंडे जो मैंने पील ऑफ कर लिए हैं। अब उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे, कढ़ाई, जिसको मैंने गैस को ऑन कर दिया है। और अब हम जो है इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले जो है वो एग को फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद जो है एग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इनका जो कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मीन सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी जो है उसका ऊपर का कवर जो होता है वो लाइट ब्राउन होने तक हम इसको अच्छी तरह से जो है फ्राई कर लेंगे। और आप भी इसी तरह से करिए, ये बहुत ही ज़्यादा जो है चटकते हैं। तो मैंने जो है एक लिड के हेल्प से इसको वो कर रही थी, मैं उसको फ्राई कर रही थी, क्योंकि ये जो है ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा चटर पटर करता है, तो इस टाइम पे ये आपके ऊपर भी आ सकता है, तो ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने जो है मेरे जो 4 एग्स थे हमारे वो फ्राई हो चुके हैं, और ये देखिए कितने अब इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब तब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मसाले के लिए मैंने जो है गार्लिक लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, और ये जो है लहसुन लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, और उसके बाद काली मिर्च ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों चारों चीज़ों को पहले पेस्ट बना लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन चारों चीज़ों को पोक कर लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद जो है हाँ प्याज भी इसमें ऐड करेंगे। ये मेरा जो है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बन गया है, काली मिर्च का। तब तक मैंने यहाँ पे जो है ये हमारा जो अनियन था उसको चॉप कर लिया है। अब अनियन को मैं इसमें ऐड करके इस एकदम दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा जो इसका टेक्सचर है वो दरदरा रखा है। और वहाँ यहाँ पे मैंने जो ऑयल, इसमें जो ऑलरेडी मेरा ऑयल था उसका एग जो मैंने फ्राई करे थे उसी ऑयल में मैं ये खड़े मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। और जो खड़े मसाले हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे, और अच्छे से जो है खड़े मसाले फ्राई हो गए थे तब हम इसमें जो है अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च और प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया था वो इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे। तब तक जो है यहाँ पे मैं अपना टमाटर भी काट लेती हूँ, और ये मसाला जो है मेरा फ्राई हो रहा है, और जब तक ये ब्राउन होगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और ये जो है बारीक कटे हुए टमाटर यहाँ पे रखे हुए हैं, जब ये मेरा मसाला ये ब्राउन हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम जो है टमाटर इसमें इस समय ऐड कर देंगे। प्याज थोड़ी सी जो है मेरी पक गई थी, तो अब हम इस टाइम पे जो है टमाटर ऐड करेंगे। और इसको जो है मसाले को हम चलाते रहेंगे ताकि ये मेरे टमाटर हैं वो भी थोड़े से जो है गल जाएं। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है 1 चम्मच हरे पिसा हुआ धनिया का लिया है, 1 चम्मच रेड मिर्च ली है, और 1 चम्मच जो है हल्दी पाउडर यूज़ किया है। इन तीनों मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये वाली जो लाल मिर्च है ये
बहुत ज़्यादा तीखी लाल मिर्च नहीं है, और आप अपने हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना मसाला जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो है सिर्फ 4x की करी बना रही हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से जो है मसाला अपना रखा है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप अपनी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं और मसाले भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से जो है हाफ कटोरी से कम या फिर कह सकते हैं 1 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पे पीनट लिया है। अब इसका हम जो है पेस्ट बनाएंगे, बारीक हम इसमें पेस्ट बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे जो है मेरा पेस्ट तैयार हो चुका था, और इसके बाद जो है हम इस टाइम पे मसाला मेरा हल्का सा भुंज गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑयल ऊपर आने लगा है। तो हम इस टाइम पे जो है पीनट का जो मैंने पेस्ट बनाया है इसकी ग्रेवी के लिए, और वो हम इस टाइम पे ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना, मेरी जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बिल्कुल एकदम ढाबा स्टाइल ग्रेवी जो है बनेगी। बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पे जो है 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो है ऐड की है कलर के लिए। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे हम इस मसाले को काफ़ी देर तक भूनते रहेंगे, उसके बाद इसका ऑटोमेटिक कलर जो है चेंज हो जाएगा, ये हल्का हल्का रेड होने लगेगा। ये देखिए आप, ये मसाला जो है अब ऑयल छोड़ने लगा है फिर से, तो ये देखो रेड हो गया। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, और अभी हम इसको और थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये मसाला जो है और इसका टेक्सचर चेंज हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा रेड हो गया है मसाला, और इस टाइम पे हम जो है हम एग इसमें इस समय ऐड कर देंगे मसाले में ही, और इसको थोड़ा सा मिला लेंगे अच्छे से, ताकि जो है एग मसाले में अच्छे से लग जाए और ये जो है अलग अलग ना लगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसी टाइम पे मसाले में एग्स को ऐड कर दिया है। और अब ये है पानी जो है, ये जो मेरा पीनट वाला जो पानी था वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो इसीलिए वो थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा है। तो ग्राइंडर में ये हमने इस टाइम पे जो है मैंने पानी इसमें 1 गिलास ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से 1 या 2 गिलास जितना भी आपको क्वांटिटी चाहिए आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये देखो इसमें बॉईल आ चुका है मेरी करी में, और ये इस समय जो है पक गई है, और मैंने इसको स्लो आंच पे रखा है। और इस समय मैंने जो है धनिया इसमें ऐड करा है, कटा हुआ बारीक धनिया। और ये देखिए हमारी करी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है इस टाइम पे, और बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आप इस टाइप से जो है ये रेसिपी बनाएंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल लाइक ढाबे स्टाइल की रेसिपी ये बनेगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, और कभी भी जब भी आपको राइस के साथ या पुलाव या फिर रोटी किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।